हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना का टॉपिक चल रहा था कल ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, तो कल मैंने आपको बताया था कि ये परिवर्तनशील कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, उसका क्या कारण, इसका डिटेल अपन ने कल कर दिया था। आज अपन करेंगे इस ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित कंपटीशन में और आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उससे संबंधित अपन कुछ अध्ययन आज करेंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको कल बता दिया था कि यह तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है या नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनता है अपना प्रथम संकरण श्रेणी में क्रोमियम व कॉपर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। और इसमें एक और आ जाता है जिंक, संकरण तत्व की बात करें तो उसमें जिंक नहीं आया है। केवल क्वेश्चन आते कौन से तत्व, तो उसमें जिंक भी सम्मिलित हो जाएगा। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करते, उसका कारण क्या है कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम प्लस टू करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन डी में बचता है, इसलिए आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। बात जिंक की करें तो जिंक में होता है 3d10 और 4s2, ये दो इलेक्ट्रॉन एस को हटाने के बाद डी में कितने बचते हैं, d10 स्थायी विन्यास होने के कारण इसको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान कर देता है, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, इसलिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता, ठीक। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है अपने आता है कि संक्रमण तत्व आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं क्यों। तो उसका कारण क्या है, जो संक्रमण तत्व आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं क्यों, जब धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तब तो यह बनाती है आयनिक, और जब ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती तब ये बनाती है सहसंयोजक। आयनिक और एक होता है सहसंयोजक, आयनिक गुण कह दीजिए और सहसंयोजक गुण कह दीजिए। तो जो संकरण तत्व है आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाने में प्रयुक्त होती है, उसका कारण क्या है कि जब धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तब तो यह बंध बनाती है आयनिक, जैसी इसकी ऑक्सीजन अवस्था वृद्धि होती है बनाती है सहसंयोजक, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है आपने तो पढ़ा होगा फायांस नियम, फायांस नियम, ठीक। तो जब धातु कम ऑक्सीजन अवस्था में होती है तो वह ऋणायन का ध्रुवण कम कर पाती है, ऋणायन का ध्रुवण कम करने की वजह से उसमें सहसंयोजक गुणों में वृद्धि नहीं होती है, कौन से गुण पाए जाते हैं उसमें आयनिक। परंतु जैसे जैसे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है तो जैसे जैसे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे इसका ऋणायन का ध्रुवण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ऋणायन का ध्रुवण क्षमता करने की वजह से उसमें सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक व अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करती है क्यों, उसका कारण यह है कि जब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है तो ऋणायन का ध्रुवण अधिक करता है, ऋणायन का ध्रुवण अधिक करने की वजह से उसमें सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती चली जाती है, ठीक है। दूसरा इस पर जो क्वेश्चन बनता है कि धातु की कम ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में जो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था के जो यौगिक होते हैं अधिक अम्लीय होते हैं क्यों, उसका कारण भी यही होता है कि जैसे जैसे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है वह ऋणायन का ध्रुवण अधिक करता है, ऋणायन का ध्रुवण अधिक करने की वजह से उसमें सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है, सहसंयोजक गुणों में वृद्धि, और सहसंयोजक गुण में वृद्धि होने की वजह से उसके अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है, अम्लीय गुणों में क्या होती है वृद्धि और क्षारीय गुणों में क्या होती है कमी, क्योंकि जैसे जैसे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी उसकी ऋणायन का ध्रुवण ज्यादा करेगा, ध्रुवण का ध्रुवण ज्यादा करेगा तो सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है, सहसंयोजक गुण में वृद्धि होने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होती जाती है और क्षारीय गुण में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। इस पर अपना एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, अपने पास तीन एग्जाम्पल है,
एक तो है अपना MnO, एक होता है MnO2, एक होता है Mn2O3, तीन है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय, कौन सा उभयधर्मी है, वो डिपेंड करेगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पर। तो इसमें MnO में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। ठीक है, MnO में कितनी है, +4, और Mn2O3 में कितनी है, +3, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर कितना आता है -2, तो x-2=0, x=+2। ठीक है, MnO में निकालने किसी अपन को Mn की, तो Mn क्या मान लेते x, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -2, तो क्या हो जाएगा -4=0, x=+4, इसलिए इसके कितना आएगी +4। Mn2O3 में Mn कितने 2, तो क्या हो जाएगा 2x, एक ऑप्शन का ऑप्शन -2, तीन का हो जाएगा -6=0, x=6/2=+3, कितने ऑप्शन होता है +3। MnO में Mn का ऑक्सीकरण है +2, Mn2 में कितना है +4, इसमें कितना है +3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है, तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अपनी MnO2 में, इसमें है MnO2 में। तो यह इस ऑक्सीजन यानी ऋणायन का धूण ज्यादा कर रहा है, इसके अंदर ऋणायन का धूण ज्यादा करने की वजह से इसमें कौन से गुण ज्यादा है, सहसंयोजक, कौन से गुण ज्यादा है, सहसंयोजक गुण ज्यादा है, इसलिए सहसंयोजक गुण अधिक होने से कैसा होगा, अम्लीय होता है। कैसे होता है, अम्लीय। तो यह कैसा होगा, अम्लीय। सबसे कम कौन सा है, ये कैसा होगा, क्षारीय, यह कैसा है, क्षारीय, और यह होगा उभयधर्मी। कैसा होता है, उभयधर्मी। ठीक है, तब क्वेश्चन कैसा आ जाए, क्या कारण है कि MnO क्षारीय जबकि MnO2 सहसंयोजक होता है, यानी अम्लीय गुण ज्यादा होते हैं, उसका कारण क्या है कि MnO में Mn के ऑक्सीजन में +2 जबकि MnO2 में इसके ऑक्सीजन कितने थे +4, इसलिए ऑक्सीजन या ऋणायन का धूण ज्यादा कर रहा है, इसलिए सहसंयोजक में वृद्धि होती है, अम्लीय गुण में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो यह था अपना ऑक्सीजन अवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कंपटीशन में आते हैं या एग्जाम में आते हैं, आप इसको इस तरह से सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।